दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल दमिश्क की मस्जिद पर होगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें दिखाया जा रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत जल्द नजूल होने वाला है। ये वीडियो इसराइल से वायरल हुई है। मोहतरम नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए दमिश्क की मस्जिद की मीनार पर उतरेंगी। इमाम मेहंदी इस वक्त इमामत करवा रहे होंगे, वो पीछे हट जाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर होगा वो सलीब को तोड़ेंगे, वो तमाम लोगों को सलाम की दावत देंगे। अल्लाह ताला उनके दौर में इस्लाम के अलावा तमाम मिलतों को तबाह कर देगा। उनके जमाने में दज्जाल हलाक हो जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में अमन ही अमन कायम हो जाएगा। शेर ऊंटों के साथ, गाय के साथ, भेड़ बकरियों के साथ फिरते होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 वर्ष रहेंगी, फिर उनकी वफात हो जाएगी। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगी। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं जिनको आदम अलैहिस्सलाम के बाद बिन बाप के पैदा किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। यहूदी शुरू ही से ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे मगर अल्लाह ताला ने उनको ऊपर आसमान पर उठा लिया। जब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे उन्होंने दो चादरें पहन रखी होंगी। वो आसमान से उतरकर इमामत करेंगे, वो मदीना में फौत होंगे। चनाचा उन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के साथ दफन किया जाएगा। उनके लिए खाली जगह को छोड़ा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अन करीब इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजल होंगे। वो अंसाब के साथ फैसले करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म कर देंगे। माल दुनिया में इतना ज्यादा हो जाएगा हत्ता कि इसको कोई लेने वाला नहीं होगा। उस वक्त एक सजदा दुनिया जहां की नियमतों से बेहतर हो जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कियामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 अलामत जाहिर ना हो जाएं। मशरक में दंसना और मगरब में दंसना, जूज माजूज का जहूर होना, सूरज का मगरब से निकलना, दज्जाल का जहूर होना, इमाम मेहंदी का जहूर होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजल होना। इस वक्त ईसाई पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का आगाज होने वाला है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो कि आसमान पर किसी चीज को जाहिर करती है। लोग हाथ बुलंद करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नारे लगा रहे हैं कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए हैं। ईसाई लोगों का कहना है ये ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर नाजिल होने की निशानी है। दोस्तों ये एक एडिट वीडियो है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान के सच्चे नबी थे, इस बात का इकरार काफिर भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वैसे ही दुनिया में जार होंगे जैसा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो दमिश्क के मीनार पर उतरेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज दज्जाल होगा, ये दुनिया को गुमराह करेगा। इसके एक हाथ में दोजख होगी और दूसरे हाथ में जन्नत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगी। दज्जाल झूठा मसीह है जो कियामत की निशानियों में से एक निशानी है। ईसाई भी इस बात का इकरार करते हैं वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, जबकि यहूदी उसको अपना नबी मानेंगे। उनके नजदीक वो उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अरूज फराम करेगा। दज्जाल पैदा हो चुका है। दज्जाल को एक जजीरे में कैद किया गया है। एक सहाबी रास्ता भूलकर समंदर में खो गए। महीनों बाद वो एक जजीरे पर पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात दज्जाल से हुई। दज्जाल ने उनसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पूछा। यही वाक्य सहाबी के ईमान लाने की वजह बना। दज्जाल काना है, उसके बाल गंगरियाले होंगे, उसके माथे पर काफर लिखा होगा। कियामत के नजदीक सबसे पहले इमाम मेहंदी, फिर दज्जाल, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर होगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे।